हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ मोना। फ्रेंड्स, आज जो आई हूँ मैं, आज सेकेंड डे है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि ऊपर वाले बस छत है ना, एक ही फ्लोर है तो छत है, तो छत तपता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है क्योंकि धूप पड़ती है छत पे। तो और गर्मी तो दिल्ली में पता है कितनी हो रही है। तो क्या हुआ? तो अभी सुबह मैं नहीं नहाई थी दोपहर के बाद, अब थोड़ी सी शाम हो रही है, धूप ख़त्म हो गया तो मैं जा रही हूँ नहाने। और तू भी नहीं नहाई ना आज? ये भी नहीं नहाई, ये बैठी है। मैं भी अब नहाऊँगी शाम को क्योंकि नहाने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इतनी गर्मी हो रही है। अभी नहाऊँगी तुरंत गर्मी लग जाएगी तो शाम को नहाएंगे आराम से। और मेरा कुछ पता नहीं है, शायद मैं आज कल चली जाऊँ, परसों चली जाऊँ, देखते कब चले। वैसे तो मैं आई थी 8 दिन के लिए, लेकिन तो मैंने सोचा इस बैकग्राउंड का ना मैं भी फ़ायदा उठा लूँ। मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई, मेरे एक वीडियो में भी नहीं आई ये बैकग्राउंड, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो मैं नहा लेती हूँ, नहा के मिलती हूँ आप लोगों से, तैयार होके थोड़ा फ्रेश होके। फ्रेंड्स, तो मैं नहा चुकी हूँ और अब टाइम है चाय बनाने का, तो मैं बनाऊँगी चाय। और मैंने आज ये लंबी बिंदी ट्राई की है, मेरी दीदी की रखी हुई है। और आरुष अभी सो गया है, शाम को रात को वो बहुत तंग करेगा, अभी सोया है तो। और दीदी काम कर रही है उसका। क्या कर रही है तुम? उसकी चोटी बनाने से बहुत गर्मी लग रही होगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसे बहुत गर्मी लग रही है बच्ची। सोए हुए बच्चे का मत ज़्यादा वीडियो बनाओ उसको। तो बनाती हूँ चाय। कोई रो सको रो के लो ना। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी चाय पीने का मन नहीं हो रहा, चाय तो बन गई है और मैं जा रही हूँ छत पे। और ये लिया है मैंने मिक्सचर। आजा तू भी आजा, दीदी आ रही है, नहाएगी वो। यहाँ पे यही फ़ायदा है ना, अपने घर का एक फ़ायदा होता है, छत होती है अपनी। Thank you.
तो अभी रात का टाइम हो गया है और बन रहा है चिकन नहीं बन रहा है, पहले बन रही है जीजा के लिए पनीर की सब्जी, उसके बाद मैं बनाऊंगी चिकन। ठीक है, मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी अपने पति देव के लिए। नॉनवेज नहीं खाते जीजा, हम लोग नॉनवेज खाते हैं, तो हम बनाएंगे, आज संडे है तो बनाएंगे चिकन। शायद मैं कल चली जाऊं तो, और आरुष पूरा फैला के इसने क्या क्या रखा है ना बता नहीं सकती मैं, पूरा इसने फैलाया हुआ है, ये देखिए जो इसके समझ में आ रखा है इसने पूरा फैलाया हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं तो आई थी कुछ ज़्यादा दिन के लिए, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब मैं तो बर्दाश्त कर सकती हूँ क्योंकि मुझे उतनी लगती नहीं है गर्मी, बट आरुष के लिए थोड़ी सी वो नहीं रह पा रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो दीदी ने बोला कि नहीं मोना तुम मत रहो यहाँ पे, जाओ, क्योंकि फिर बच्चा है, इसने सही मायने में उतनी गर्मी कभी झेली नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो देखती हूँ शायद हस्बैंड आए कल लेने, शायद क्या वो मैंने बोल दिया है वो आएंगे लेने, तो मैं चली जाऊँगी, फिर मिलेंगे दीदी, दीदी जाएगी चली जाएगी यहाँ से, तो मिलेंगे बाद में, मिलेंगे देखते हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मिलेंगे कभी, ज़रूर मिलेंगे। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ, मैं बनाऊँगी चिकन। अभी प्याज मैंने काट लिया है और मैंने खुद ही बोला है कि मैं ही बनाऊंगी, तो बनाते हैं थोड़ी देर में। तो मैंने कल से ही वीडियो स्टार्ट कर दिया था और एंड नहीं किया था, तो अभी एंड नहीं करूंगी मैं। एक्चुअली मैं वीडियो बताने के लिए मैंने वीडियो शुरू किया है कि सुबह के कितने बज रहे हैं, 7:30 और मेरे हस्बैंड आ गए लेने, विदाई की घड़ी आ गई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलने है जुदाई है। तो अभी मिले भी नहीं थे और जुदाई भी शुरू हो गई, मैंने फ़ोन भी नहीं किया कि आ रहा हूँ मैं। 7:30 बजे सुबह, 7:30 बजे आ भी गए, और बस मैं अब थोड़ी सी तैयार होंगी फिर निकलेंगे। तो आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा बताएं, बता नहीं सकते। तो आपने रोका नहीं हमें, क्या रोते यार, इतनी गर्मी है, मैं खुद नहीं चाहती कि मैं रात में भर आरुष को 3 बजे से छत पे घुमा रही हूँ, तो मैं ये नहीं चाहती कि बच्चा परेशान हो। कोई बात नहीं, सर्दी में आ जाना, सर्दी में फिर आराम से मस्ती करेंगे, है कि नहीं। तुम आओगे सर्दी में यहाँ पे, तुम आ जाना वहाँ पे, तुम्हारे घर हम आ जाएंगे, वहाँ पे आओगे तुम सर्दी में, मेरे घर जाएंगे। हाँ आएंगे, तुम आओगे वहाँ से, जाओगे, चल झूठी झूठी एक नंबर की है। बुलाए जो कोई प्यार से बुलाएगा तो मैं सात समुंदर पार करके भी आ जाऊँ। चुप रहा, मैं तो यहाँ से रोज बुला देती, कितनी बार आती थी कहाँ से, ये हर हफ्ते में एक दिन ये जाती थी तो मैं आती थी, अभी लॉकडाउन में कैसे आते आप जाने वाला लॉकडाउन, मैं तो लॉकडाउन में भी आ गई। आपके पास गाड़ी है, हमारी तो मेट्रो भी नहीं चल रही, हम कैसे जाएंगे बताइए। मेट्रो तुम्हारे से बस चल रही है, खूब चल रही है बस, बस मैं DTC की उल्टियाँ करते कौन जाएगा, आई ना गाड़ी में उल्टियाँ करते देख लो, यही है हमारा, आने का ना मन होना चाहिए। मिलते थोड़ी देर में, क्या करने जा रही है तू? मैं आटा गूंदने जा रही हूँ, आए हुए ना घर, तो थोड़ी सी मैं सोच रही कुछ बनाकर नाश्ता करवा देती हूँ, कि सुबह सुबह मैं नहीं आऊँगी। बहन बहन मैं चाय पीऊँगी खाली, बहन जी। तो मैं निकल रही हूँ, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, ये टी शर्ट मैंने पहना हुआ था, जींस डाल लिया है, कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो एक्साइटमेंट होता नहीं है जब उधर से आते और इधर से जाते, तो दूसरा हो जाता है। तो चलिए निकलते हैं, बाय। और आरुष जैसा सोया था वैसे उठाया, उसको पैंट पहनाया,
बस रेडी, मैं तो तैयार हो लेती, मैं कोई कसर नहीं छोड़ती। अंशु रो रहा है, अभी हम लोग आ जाएगा। अंशु रो तो फ्रेंड्स, बस मैं रिटर्न हो रही हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।